مسی چورگی بلگسی بلگسی چرا نہیں हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। डेट है 28 दिसंबर 2020। मैं हूं अभी अपने होटल अम्बेसडर होटल हरगीजा, जो कि एयरपोर्ट से काफी पास है। हरगीजा एयरपोर्ट से 3-4 किलोमीटर होगा बस। अभी मेरा हरगीजा में आज तीसरा दिन है। मैं 26 को आया था, 26, 27, 28 आज मेरा तीसरा दिन है। 26 को मैं मोगादिशु से आया था सोमालिया से, काफी थका हुआ था, तो मैं बस कमरे में अपना ज्यादा घूमा नहीं, बस होटल में ही आसपास इधर उधर घूमा। और कल मतलब 27 को मैंने रेस्ट लिया पूरा दिन। और आज मैं जाऊंगा अभी डाउनटाउन में हरगीजा के, और इसका फर्स्ट इम्प्रेशन देखते हैं कैसा लगता है। एक अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री में आप कह सकते हो मैं आया हूँ, और उस कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया से जहां से मैं आता हूँ उस नजरों से मैं देखूंगा कि भी मेरे को ये सिटी कैसी लगती है, ये कंट्री कैसी लगती है। तो और हम देखेंगे, मार्केट वगैरह में जाएंगे, जो भी चीज हमें देखने को मिलेगी कोशिश करेंगे जितना भी हम लोकल फील ले सके लोकल ले। अभी मैं नीचे उतरूंगा और यहाँ पे कोई टैक्सी कराने का तरीका है, शायद *300# दबा के कुछ भेजना होता है, आपके पास वाली टैक्सी की डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। अभी कमरे के अंदर ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम चलते हैं बाहर। और इस होटल की अच्छी बात है, इसके होटल के अंदर ही ATM वगैरह सब कुछ है, तो मैं नीचे से पैसे निकलवाऊंगा। मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि सोमालीलैंड में ऐसा होटल होगा। $60 पर नाइट है इसका किराया, और नीचे ATM से मैं पैसे निकालूंगा, पैसे निकाल के मैं टैक्सी कराऊंगा और हम शहर में जाएंगे, और फिर हम देखते हैं फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ हरगीजा। ये मेरा होटल है और ये मैं हूँ। इधर नीचे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हम जाएंगे नीचे। अभी हम हैं सेकंड फ्लोर पे, हमें जाना है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे ATM से निकालेंगे पैसे और फिर करेंगे टैक्सी। ये है इसका रेस्टोरेंट सा, और यहाँ पे ATMs है, बिजनेस सेंटर है, DHL भी है कुछ भेजना हो तो, और ये 3 ATMs अलग अलग बैंक के, तो है ना मस्त होटल। दहाबशील बैंक, प्रीमियर बैंक और दरा सलाम बैंक। मैं प्रीमियर बैंक से निकल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस बैंक से पैसे मोगादिशु में भी निकलवाए थे, तो नया ट्राई करने से अच्छा जो ट्रस्टेड है उसी पे कर लो। और इस पे मेरी एक्सचेंज फीस भी नहीं लगी थी शायद, कुछ पिन डालते हैं। कितना USD निकलवाए, $200 निकलवा लेते यार, 200 तो लग जाएंगे, महंगा देश है। नहीं नहीं नोट आ जाए बस। कच्चे कच्चे नोट आ गए $100 के दो, पर यार खुले देने चाहिए थे, पता नहीं है खुले कोई करेगा ही नहीं। ATM से पैसे निकाल के होटल के गेट से जस्ट बाहर निकला हूँ, और ये बाहर एक लॉन्ड्री सर्विसेज है, ये होटल का मेन एंट्रेंस है, और आगे सिक्योरिटी गार्ड्स है AK-47 के साथ चेकिंग के लिए। अभी हम चलते हैं। वैसे तो मैंने नोट किया है कि मेरे आईफोन में GoPro 7 से ज़्यादा अच्छी वीडियो आती है, पर इसका जो एंगल है वो इतना वाइड नहीं है, तो इसलिए आई विल यूज़ माई GoPro टू रिकॉर्ड व्हेन आई रीच द सिटी, क्योंकि मैं अपने फेस की जगह आसपास की चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो शहर कैसा है। तो अभी तो होटल से बाहर की तरफ चल रहा हूँ मैं, बाहर जाके देखता हूँ कोई टैक्सी बस कुछ मिलती है, तो वो मैंने *3000# डायल किया था जिसे टैक्सी बुक होती है, पर अभी तक मेरे को कोई मैसेज नहीं आया उससे। वैसे कहते हैं आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, अभी तक कुछ नहीं आया। और सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है यहाँ पे, एक बार मेन एंट्रेंस पे होती है, एक बार होटल के गेट पे घुसते टाइम होती है, बैग की आपकी तलाशी लेते हैं। इट्स नाइस, आई लाइक इट। होटल के बारे में, मेरे को टैक्सी लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर ये एक भाई मिले हैं मेरे को, मोहम्मद नाम है इनका, इज हेल्पिंग मी। गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड से जा रही है, सड़क पर साइड में चलने की जगह भी नहीं है, और बिल्कुल कान के पास से गुजरती है। वेट कर रहे हैं हम, अगर कोई गाड़ी मिल जाए तो पकड़ के। वो मैंने ट्राई किया था नंबर डायल करके टैक्सी करने का, पर एक नंबर आया काफ़ी देर बाद, उस पर मैंने कॉल की तो वो सोमाली बोल रहा था और मना कर रहा था।
कि शायद वो नहीं जाएगा। ये एक टैक्सी रुकी थी और उस टैक्सी में बैठ गया हूँ मैं। बस फिट मुश्किल से आ रहा हूँ, पैर पूरे पूरे फिट आ रहे हैं, आप देख सकते हो। ये और सवारी भी बिठा रहे शायद इसमें, पहले हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 जने ऑलरेडी है और ये 7 और बिठा लिया डिग्गी में। चलो 2, 5, 7, 3, 9 ये जो जनाब मेरे को मिले थे जिन्होंने मेरे को टैक्सी कराने में हेल्प कर रहे थे, और ये भी मेरे साथ टैक्सी में बैठे हुए हैं, और इन्होंने कहा कि तुम पैसे नहीं दोगे, मैं ही पैसे दूंगा। तो काफी हॉस्पिटेबल है लोग, मैंने कहा कि नहीं मैं दूंगा। अभी हम रास्ते में आपको सड़कें दिखाता हूँ, यहाँ पे कैमल का मीट ज्यादा खाते है और गोट का, चिकन नहीं खाते, फिश नहीं खाते, मतलब मैंने कम देखा खाते हुए। मीट शॉप्स काफी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे ऊंट का मीट, बकरे का मीट ज्यादा मिलेगा, चिकन है पर कम है, फिश भी है पर सबसे कॉमन जो मैंने देखा वो यहाँ पे कैमल मीट है। अभी हम सिटी सेंटर के पास आ गए जो डाउनटाउन है, और एक तो ऊंची बिल्डिंग्स भी है यहाँ देखने को जो आपको मिल जाएगी, हॉस्पिटल भी है एक, और ये बैंक है, कुछ और बिल्डिंग्स और कुछ रेस्टोरेंट्स, कपड़ों की दुकानें, बार्बर शॉप, खूब सारी बार्बर शॉप्स, रेस्टोरेंट, ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल एक्सेसरीज, बेड्स। अभी मैं इधर ही ओरिएंटल होटल है एक, उसके आगे वेट कर रहा हूँ किसी के आने की। एक भाई है विष्णु, वो भी इंडिया से है, वो भी सोमालीलैंड आए थे कल परसों, और इंस्टाग्राम पे हमारी बात हुई, उन्होंने कांटेक्ट किया मुझे, तो विष्णु भाई से मिलेंगे। और यहाँ पे पहुँचना था ओरिएंटल होटल, मैंने टैक्सी के दिए 10,000 सोमालीलैंड शिलिंग, जो कि लगभग मेरे ख्याल से $1.5 बनते होंगे शायद इंडिया के 100 रुपये मेरे ख्याल से, और बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था इधर के बाकी प्राइसेस से कंपेयर करें तो। मेरे होटल से अगर मैं टैक्सी लेता तो वो $10 ले रहे थे, और ये जो मैं शेयर टैक्सी से आया था उससे लगभग $1.5 लगे, और लोग सब मेरे को घूर रहे हैं कैमरा के साथ से घूरते हुए जा रहे हैं। विष्णु भाई आ गए यहाँ पे ओरिएंटल होटल के सामने मेरे से मिलने, और अभी हम शायद साथ घूमेंगे, सिटी को देखते हैं। विष्णु भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं 21 साल के, और कहाँ कहाँ गए अभी भाई? अभी इसके पहले जिबूती, उसके पहले ईरान गया था, जिबूती और ईरान। हाँ, अभी यहाँ से इथियोपिया और सूडान का प्लान है। तो आपका चैनल किस नाम से भाई? वेंडरिंग मैनियर। मैं लिंक डाल दूंगा, आप विष्णु भाई का चैनल भी देख सकते हो सोमालीलैंड की वीडियोस के लिए। अभी कितनी वीडियोस बनाई है? अभी जिबूती की डाली है मैंने एक वीडियो, उसके बाद मैं थोड़ा झुक जाता हूँ, सोमालीलैंड में 3 वीडियो बना चुका हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ से तो फिर और पता नहीं क्या प्लान है उसका, फिर यहाँ से डायरेक्टली तो बॉर्डर की तरफ निकलना है। ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं शहर, देखते हैं क्या देखने को मिलता है, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ सोमालीलैंड। रोड पे चलते चलते साइड में हमें पैसों की मार्केट मिली, सड़क पे देखो कैसे गड्डिया रख रखी है। नोटों की गड्डिया बिछा रखी है भाई सड़क के साइड में, ये देख लो। इंडिया। तो भाई अभी शहर में चलने लग रहे हैं, हम यहाँ पे जूतों की दुकान है साइड में, एक राइट साइड में एक बैंक है, ऊपर ये ग्रोसरी स्टोर सा है, और एक डेंटल क्लिनिक भी है। व्हाट रिकॉर्डिंग? या एक वो है क्या
1991 में जो सोमालीलैंड में सिविल वॉर चल रहा था, हाँ, तो वो एयरक्राफ्ट से सोमालीलैंड को खत्म कर दिया था। अच्छा। तो होटल वाले बता रहे थे कि वो टाइम पर कुछ नहीं था यहाँ पे सोमालीलैंड में। अच्छा। उसके बाद लोकल्स ने मेहनत करके, हाँ, तो जितने बिल्डिंग देख रहे हो उसके बाद भी बने हैं सारे। अच्छा, वो पास में ही है क्या? पीछे है, तो चल सकते उधर हम, है ना? चलते है। तू रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा है? ये भाई पीछे बढ़िया बोला, इधर आओ फ्रूट्स दिखाने, कह रहे इसकी वीडियो बनाओ फ्रूट्स की। यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश हुई वो ब्रेसिल कद्दू। कुछ खा भी लेंगे यार, हल्की सी भूख लग रही है मेरे को। और मेरे पास $100 का नोट है, वो नोट मेरे को चेंज कराना है। आम छोटी दुकान पे तो कोई देगा नहीं, उस पर कुछ करा दे। पूरी मार्केट चारों तरफ से मेरे को घूमने लग रही है, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा और ऊपर इसके माइक लगा हुआ है। चारों तरफ से लोग मेरे को देखने लग रहे हैं और सोमाली में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं है, वो ये कह रहे कैमरा बंद करो, ये कह रहे हमें भी लो, तो कोई आइडिया नहीं। कैमरा ऊपर करते ही सारे लोगों की अटेंशन मिल जाती है। अच्छा, हाँ, तो उधर भाई एक एयरक्राफ्ट है, उस एयरक्राफ्ट से यहाँ पे अटैक किया गया था सोमालीलैंड पे, जो यूज किया गया था यहाँ पे अटैक करने के लिए। मार 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 साले के मार। इधर शेड लगा हुआ दिखेगा नहीं है? अच्छा, उधर से हम घुसे तो उधर से रास्ता नहीं था, इधर से एक और गेट है। इस गेट से देखते अंदर जाने का, ये प्लेन देखने का रास्ता है। तो all the films, new films, yeah, here watch Paresh Rawal. तो भाई अक्षय कुमार, परेश रावल, अजय देवगन और जिन जिन के भी इन्होंने नाम लिया, आप में से कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी इधर सोमालीलैंड में। एवरीवन लव्स यू। आज पता चला बॉलीवुड की कितनी, मैं इथोपिया गया था, वहाँ भी छोटे छोटे शहरों में इनके सबके एक्टर्स के नाम पता थे लोगों को, और इधर भी सबके पता है। यहाँ पे कम से कम 100-150 जने बैठे होंगे, और अभी मेरे हाथ में कैमरा, सारे मेरे को घूमने लग रहे हैं। आपको दिखाता हूँ, कैमरा घुमाते ही सारे घूम गए। तो देख सकते हो आप, सोमालीलैंड इज वेरी सेफ। सारे बॉलीवुड के फैन है, और चाय पीने के लिए मेरे को ऑफर कर रहे हैं वो। दीवाना हुआ Sholay is very popular. All my father. Really? All like from film. Comedy. British Rawal, John Lever. Somaliland, is it safe for tourists? Safe. Okay. No problem. Safe. Okay. Comedy. देखिए ताऊ भाई, इधर एक ये प्लेन सा था, ये प्लेन क्रैश हुआ था इधर, ये देखने आया था मैं। एकदम लोगों की भीड़ थी खूब, सारे मेरे घुसते ही घूरने लग गए मेरे को चारों तरफ से, एकदम से आके मैं भी चढ़ गया। मैं पता नहीं यार क्या होगा, आके इधर मैं खड़ा होया, फिर बोलो बैठो बैठो बैठो।
No, India. No, Pakistan. India. Not Pakistan. India. भाई यहाँ ऊँट के दूध की चाय पीते, चाय अपने जैसी है, इसमें दूध पड़ा है ऊँट का। अभी ये भाई चाय बना के लाया तो था। What do you call the people of Somaliland? Are they called as Somalis or Somalia? Somaliland. But the people of Somaliland, how do you like call them? Like the people of No. But when I was in Somalia, everyone said that Somaliland is a part of Somalia. No, Somalia. Not Somalia? Not Somalia. You like Somalia? Yeah, no, I'm not like Somalia. I am Somalander. Mm-hmm. It's two countries. Two countries. Somalia and Somalia. Salman Khan is watching you. Shah Rukh, Salman Khan. Yes, what can I say? Yeah. Misi Choregi. बलगसी बलगसी चरा नहीं आधे से रामलोग आज ना रफान ने स्वागत आई वाला मुझे सारे सुनी बने जा जाट देवता तो अभी उधर से उठ के आ गया था मैं, जिधर मैं उन्होंने मेरे को चाय वाय ऑफर करी थी, काफी अच्छे लोग थे उनके साथ, मैं काफी देर बैठा। वो लोकल एक चाय की दुकान थी और जिसकी वो चाय की दुकान थी वो इथोपियन था लड़का, और ये मेरे को बता रहे थे कि यहाँ पे मोस्टली जो भी चाय के खोखे टाइप होते हैं या फिर जूते पॉलिश करने वाले होते हैं वो मोस्टली इथोपिया से आए हुए लोग हैं, वो इधर ये सब काम कर रहे हैं। इथोपिया में मेरी इथोपिया की वीडियोज़ में शायद आपने देखा भी होगा, वहाँ पर बहुत सारे जूते साफ जूते पॉलिश के फुटपाथ पर बैठे रहते थे, तो यहाँ भी मोस्टली वो काम इथोपियंस ही करते हैं। और चाय वाय के ठेले भी कह रहे थे ज़्यादातर इथोपियंस मिलेंगे आपको। और उसके रोड की दूसरी तरफ आ गया मैं, पीछे की रेस्टोरेंट है कुछ खाने के लिए, और इस रेस्टोरेंट का मालिक शायद येमन का है, येमनी है। अभी इसके अंदर जाके कुछ खाएंगे, अभी तक तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग काफ़ी फ्रेंडली लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ लग रहा है। यहाँ के लोगों को सोमाली बोलो तो ये चिढ़ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सोमाली लैंड ही बोलना पड़ता है। और उधर सामने एक बैंक है, उधर एक और बैंक और बिजनेस सेंटर है, और इधर ये पीछे रेस्टोरेंट है जिसमें मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। लकीली क्योंकि येमेनी रेस्टोरेंट है तो खाना इधर अच्छा मिल गया, मैंने चिकन शॉर्मा ऑर्डर किया और देखने में अच्छा लग रहा है, अभी खाना स्टार्ट नहीं किया। और मेरे को रेस्टोरेंट पे लेने अब्दुल्ला भाई आ गए थे, अब्दुल्ला भाई इज फ्रॉम हरगीजा। हे ब्रो से हाय। हाय। अब्दुल्ला भाई मेरे को उधर लेने आ गए थे और उसके बाद हम गाड़ी में आए थे, इधर एक बुक स्टोर है, इनको किताबें लेनी थी, तो ये सोमालिया का हरगीजा का सोमाली लैंड का हरगीजा का एक बुक स्टोर है, काफी फेमस आदमी है अब्दुल्ला भाई, यहाँ के यूट्यूबर है। ये है बुक स्टोर हरगीजा का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कैम्ब्रिज इंग्लिश, ये देख लो भाई। अभी हम हैं सोमाली लैंड में हरगीजा में, और ये है इस दुकान से बाहर के नज़ारे, काफ़ी अच्छी दुकान है एक्चुअली, आपको सारी तरह की किताबें मिल सकती हैं यहाँ पे। जनरल इंटरेस्ट की है ये सारी सारी, अदर क्वालिफिकेशन अकाउंटिंग बिजनेस फाइनेंस एंड लॉ एक्सेट्रा, अमेजिंग आईलेट्स भी। Hi, Namaste Indian peoples. We love you. Namaste. Yeah, my message. Take care. Sadhya Pushpa.
कोई इंश्योरेंस कंपनी है शायद ऊपर और कोई इंस्टीट्यूट है. और ये है KFC की सस्ती कॉपी KFC फॉर कल्चर. ओके Hello, man. Hello. I'm Paramveer from India. Okay, my name is Mohammed. And you? Mohammed? Yeah. Okay, nice to meet you, bro. Hello, brother. Hello, brother. How are you? Fine. What is your name? My name is Saad. Saad? Saad, Saad. Saad? Okay. Saad. And you? Paramveer. Paramveer. From India. From India? Yeah. Welcome, bro. Thank you, brother. Thank you. Thank you, bro. यहाँ पे काफी अच्छी कलेक्शन है इनकी सोमालीलैंड के हिसाब से. सही बताऊँ तो चेल्सी बूट्स वगैरह मेरे को यूजुअली काफी पसंद है चेल्सी बूट्स. और ये कुछ और जूते चप्पल और ये सोमाली ड्रेस ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मैन. फॉर मैन. अमेजिंग. गुड बाय. ये गाड़ी है हमारे अब्दुल्ला भाई की. कैन वी डू टुमारो? वी कैन डू एवरीथिंग एवरीवेयर. वी कैन गो एवरीवेयर इंशाल्लाह इन हर्गिसा इन सोमालीलैंड. आई रिस्पेक्ट ऑल इंडियन पीपल्स. I like to speak Indian, but yeah, namaste, kahana ho, kuchu kuchu dai. You should eat a cut, you know. Cut, yeah, yeah. Cut. I will you try. Became a high mirkan. Mirkan. Cut. इनका एक drug होता है जो मैंने इथियोपिया में भी try किया था जो पत्ते से होते हैं वो ही खाते हैं. उसको खा के जो नशा हो जाता है उसको बोलते हैं मिर्काना या फिर मिर्कान जो नशा होता है जो आपको हाई मिलता है उससे. तो कल मैंने बोला कि मैं यहाँ पे भी खाद ट्राई करना चाहता हूँ उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ. तो अब्दुल्ला भाई ने बोला कि कल हम ट्राई करते हैं. ठीक है अभी तो भाई मेरे को होटल छोड़ आएगा क्योंकि लेट भी हो गया अंधेरा हो गया 7-8 बज गए रात के. अभी वीडियो खत्म नहीं कर रहा मैं. अभी मेरे होटल जाने से पहले हम एक जगह रुके हैं एक दुकान पे लेके आए कैफे पे सोलियाना कॉफी के नाम से. Hello. How are you, bro? I'm good. How are you? Okay. Yeah, I'm good. You're from India? I'm from India. Yeah. You're from India. Which yeah. State? Welcome to Argesa. Delhi. 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 Yeah. Welcome to Argesa. Thank you, bro. Thank you. ये यहाँ पे इथियोपियन कॉफी की दुकान है. इथियोपियन कॉफी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी मेरी इथियोपियन सीरीज में अफ्रीका की जो मेरी पिछली सीरीज थी इथियोपिया वाली. ये जो होता है ये खुशबू के लिए रखते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा धुआं आता रहता है और माहौल अच्छा रहता है अच्छी खुशबू आती रहती है बेसिकली. और कॉफ़ी पीते टाइम आपको ये हर जगह इथियोपियन कॉफ़ी जा पी होगी वहाँ पे आपको ये मिलेगा. इसको यहाँ पे बुन्ना बोलते हैं इथियोपियन कॉफ़ी को. जस्ट अभी ये मेरा ग्लास था और ये अब्दुल्ला भाई का है. हेलो ब्रदर. मेरी उम्र की 4-5 भाई है यहाँ पे इन सबके साथ बैठा हूँ और बातें कर रहे हैं. जलू चलते हैं. चलो चलते हैं. Yes, I'm 23. Yes. How old do I look? 31, mera. 31? 31. Amazing. You know Hasan Top? Hasan Top. Hasan Top interviewed me in Mogadishu. I saw. And even he was surprised when he got to know about my age. So he made a video on that I'm 23.